माशाल्लाह जी माशाल्लाह, देखें हमारी बीफ वाइट कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बनी, क्या अल्लाह की शान है। देखिए खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम शुक्र के साथ हम सब खैरियत से जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हम सबको बीमारियों से बचाए, आजमाइशों से बचाए। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट बीफ कढ़ाई, जो बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। हम अपनी खेतों में आए बैठे हैं और हम इधर बनाएंगे गाँव का कुछ स्टाइल। और आज मौसम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा, इतनी अच्छी हवा चल रही है, गर्मी कम है, तो इसीलिए हम बाहर आके बैठ गए हैं। तो हम बनाने लगे हैं बीफ वाइट कढ़ाई, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो अपनी बी की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है, तो इसमें मैं डालूँगी, ये मेरे पास कड़ी पत्ता और नमक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें पानी डालने लगी मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर हम करते हैं बंद। फजान ने आग जला ली, फजान आग जलाने का मास्टर है माशाल्लाह। हवा चल रही, धुआं भी हो गया इधर। मेकिंग लगाई आपने? अच्छा, लिपस्टिक भी लगी हुई यहाँ से। किसने लगाई है ये? आपने ये आपकी कहाँ से ली थी आपने नेल पॉलिश? और मैंने मेहंदी भी कहाँ से ली? मैंने लेके आई है। माशाल्लाह जी, इधर मौसम बहुत जबरदस्त बना हुआ, ऊपर देखे बादल भी बने हुए हैं। गिराना नहीं पानी, देखो ये देखे मेरे बच्चे भी पास आके बैठ गए हैं, ये भी बड़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये सिब्बा जी आके बैठी हुई है, क्या है इसने अपना मुंह खराब किया है लिपस्टिक और नेल पॉलिश मेहंदी लगा के। हैं सिब्बा, अब तो कह रही कि मैं सोने लगी हूँ, सब सही से हूँ। अच्छा भाई, सोना बेड पे नहीं जाके सोना? इधर आ कर क्या लेने आई हो? चावल क्या बना रही हो? माशाल्लाह जी, 15 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं तारने लगी प्रेशर नीचे।
नान पढ़ो लायला लायला कहती सबको किन्ने बनाया कहती अल्लाह ताला अल्लाह किन्ने बनाया ये देखो जी माशाल्लाह गोश्त हमारा गल गया अब हम ऊपर रखते हैं कढ़ाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैंने कढ़ाई ऊपर रखी है इसमें मैं डालने लगी हूँ कुकिंग ऑयल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये मेरे पास जीरा छोटी इलायची लौंग बड़ी इलायची और ये दालचीनी ये मैं सारे मसाले इसमें ऐड करने लगी हूँ बिस्मिल्लाह इसे मैं अच्छी तरह भून लूँगी इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी फिर अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करने लगी हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्याज मैंने बारीक किए हुए हैं से सिर्फ नरम करना है ब्राउन नहीं से करना ये ईद की स्पेशल रेसिपी है जो बनाना बहुत ही आसान और बहुत मज़े की बनती है तो आप भी ईद पे ज़रूर इसे ट्राई करना अब इधर मौसम भी माशाल्लाह सही है छाओ ये दरख्त की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है बादल बने हुए हैं माशाल्लाह इधर गर्मी भी नहीं है तो ये देखें माशाल्लाह जी ये नरम हो गए इसमें मैं डालने लगी एक चम्मच काली मिर्च बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसमें चाहे आप वाइट मिर्च डाल लें या ब्लैक मिर्च जो मर्जी अपनी मर्जी के साथ जो मर्जी मिर्च डाल सकते हैं ये मेरे पास एक पाव दही है मैं इसमें ये ऐड करती हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं इस दही का पानी खुशक कर लेती हूँ बने किधर जा रहे हो किधर जा रहे हो हैं किधर जा रहे हो गजा रहे हो इधर देखो हाँ हैं को ना ना तंग करो नहीं करता अंतरा में नहीं कर रहा ये देखो दही ने पानी छोड़ दिया अब हम इससे दही का थोड़ा सा पानी खुशक करेंगे ना का पानी हो गया खुशक अब मैंने गोश्त इसमें डालने लगी जो बॉईल किया हुआ था बिस्मिल्लाह अब मैं इसमें यही डालने लगी जो मैंने गोश्त निकाली थी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम इसे खुश कर लेंगे पानी इसका हो गया खुशक देखें जी माशाल्लाह अब मैं इसमें डालने लगी क्रीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये मेरे पास 200 ml है क्रीम चाहे आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे सिर्फ एक मिनट दो मिनट तक बस माशाल्लाह जी क्या है इसकी ज़बरदस्त खुशबू है तो इसका कलर देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह जी माशाल्लाह देखें हमारी बीफ वाइट कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बनी क्या अल्लाह की शान है देखें खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है ना तो
देखने में इतनी मजे की लग रही, तो खाने में इसका क्या टेस्ट होगा, बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट होगा। तो आपको मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है ना। अब मैं आपको मिलूँगी एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।